Hello everyone, how are you? Today we are going to sculpt a 3D ancient photo frame. इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए? सिंपली आपको इसके लिए क्ले चाहिए होगा एंड जो मेजर टूल, इससे पहले मैंने एक एक्टिविटी में बताया वो टूल चाहिए होंगे और एक आपका ये इसमें एक टूल आपका एक्स्ट्रा हुआ है, ये आप इसका मार्कर चाहिए होगा एंड देन आपका ये अप्रोक्स आपका 13 सेंटीमीटर का आपको कार्डबोर्ड चाहिए, वो भी ओवल शेप में 13 सेंटीमीटर आपका ये डिस्टेंस है, आपका ये डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है तो आपका ये डिस्टेंस करीब इसकी इसी डिस्टेंस का एक आपको ओवल कट करना है कार्डबोर्ड। अब फर्स्ट करना क्या है, फर्स्ट हमें करेंगे कि जो हमारा एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर हम फर्स्ट जो हम पहले फोटो फ्रेम में जो डिजाइनिंग बनाएंगे या जो करेंगे उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक मेमोरी ड्राइंग पहले कर लेते हैं क्या हम डिजाइन बनाएंगे, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैसे मॉडलिंग करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से, आप इसके लिए आप जो कंपास का यूज कर सकते हो। जब आप ये बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ओवल जो आप बना रहे हैं ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपका जो ओवल है ये सही कटा होना चाहिए। ये देखिए हमारा ये ओवल, मैंने इसको राउंड कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसकी हम जहां पे जो डिजाइनिंग बनाएंगे वो हम डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें डिजाइन बनाओ, अगर आपको डायरेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट आपको यहाँ पे डिजाइन बनानी है। ऐसे आपको जो भी डिजाइन है आपको जो इजी हो, अगर आप जो मैं बना रहा हूँ वो बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं। बट अगर आपको ये डिजाइन आपको टफ पड़ रही हो तो आप दूसरी डिजाइन भी आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे इसको हम डबल करेंगे, जिस अकॉर्डिंग हमें डिजाइन बनाएंगे उसी अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर क्ले से मॉडलिंग करेंगे। देखिए इस तरह से, ये हमारा ये हो गया है। अब इसके बाद अब यहाँ नीचे के भी, नीचे की पोर्शन में भी एक राउंड सर्कल बनाया स्मॉल सा, इसको मैंने डबल किया और एक चीज़ की ये सर्कल, ये सर्कल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज़ पेटल मैंने रेडी की एक सिंपली। अब यहाँ पे एक और सर्कल बनाया इस तरह से। अब इसके बाद ये हमारा स्पेस एरिया है, इसको मैंने कवर कर दिया सिंपली हाफ सर्कल से। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा बाकी का एरिया है इसको भी हम डबल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा ये इसकी ड्राइंग मेरी पूरी रेडी हो गई इस तरह से, ठीक है। अब इसमें फोटो का पोर्शन पोर्शन कौन सा, आपको फोटो का पोर्शन ये होगा, ये वाला पोर्शन फोटो का होगा, बाकी हम साइड में इसकी जिस अकॉर्डिंग ये बना हुआ है उस अकॉर्डिंग उसकी हम डिजाइनिंग करेंगे। अब फर्स्ट डिजाइनिंग करने से पहले हम करेंगे क्या कि जहां जहां मुझे डिजाइनिंग करनी है वहां आप क्या करेंगे, कोई पॉइंटेड टूल से इसको पिन अप कर लेंगे, अच्छे से पिंच कर देंगे, इसमें होल कर देंगे जिससे जैसे हम क्ले लगाएं अपने कार्डबोर्ड में तो इजिली वो चिपक जाए, उससे अलग ना हो। जहां जहां मुझे डिजाइन बनानी है फिर वहीं वहीं पुल करेंगे, और एक्स्ट्रा जगह पे आप पुल नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं और करेंगे तो आपको ये बाद में दिक्कत देगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली ब्रश से जहां जहां मैंने होल किए थे वहां वहां पे हम पानी पानी लगाएंगे जिससे हमारा ये कार्डबोर्ड है अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर ले इन होल से,
इन होल से हमारा वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और क्ले हमारा अच्छे से पकड़ ले, इससे इरेज नहीं होगा। देखिए इस तरह से जहां जहां पे मुझे पानी लगाया है, ये देखिए आपको यहाँ पानी है, सूख रहे होंगे डॉट ही, तो बस वहीं पे पानी लगाना है जहां जहां ये डॉट बने हुए हैं। पानी को अच्छे से फिल कर देना, इसमें ज्यादा भी नहीं कि आपका कार्डबोर्ड बंद हो जाए। और एक चीज ध्यान रखिए, कार्डबोर्ड आप वो यूज कीजिएगा जो आपका फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है या शू बॉक्स में यूज होता है, आप वाला कार्ड यूज कीजिएगा। अगर ज्यादा लूज कार्डबोर्ड यूज करेंगे जब आप इसके ऊपर मॉडलिंग करेंगे तो आपको वो बेंड होने लगेगा, इसलिए कोशिश करिएगा जितना अच्छा आपका कार्डबोर्ड हो, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का, कोई भी इन्वर्टर का, कोई भी चीज आई हो, वॉशिंग मशीन आई हो, तो उस चीज का कार्डबोर्ड अगर यूज करेंगे तो आपको जब डिजाइनिंग इसके ऊपर करेंगे, अब देखिए मैंने वाटर लगा दिया इसके बाद, अब इसके ऊपर क्या हमारा सेकेंड वर्क रह जाता है क्ले का। क्ले के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट हमारा ये सिंपली मैंने क्ले ली हुई है, ये देखिए इस तरह से, अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली हम कॉइल बनाएंगे। ये देखिए साइड में जो डिस्टेंस बनाया हुआ है उसी अकॉर्डिंग हम कॉइल बनाएंगे। और जब कॉइल आप बना रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपका कॉइल चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। अगर आपका मोटा पतला कहीं से होगा तो जब आप इसके ऊपर मॉडलिंग करेंगे या लगाएंगे तो आपको वो देखने में बहुत गंदा लगेगा, इसलिए जब आप मॉडलिंग कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका कॉइल चारों साइड से इक्वल हो, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से, फर्स्ट हम इसमें हम सेंटर वाला बना रहे हैं, जिससे हम सिंगल सा एक बड़ा सा बना रहे हैं कोई, इससे सिंगल बार में पूरा एक बार ज्वाइंट हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए इस तरह से सिंगल कॉइल मेरा ये रेडी हो गया। अब इसके क्या करेंगे, कार्डबोर्ड में देखिए वाटर सोख लिया है, एक बार हम और फिर से पानी लगा देंगे जहां मुझे लगाना है। ये देखिए इस तरह से, आप चाहो तो इसकी आप फेविकोल का भी यूज कर सकते हो। अभी जी कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सेंटर से लेना है आपका, ठीक है। अभी कार्डबोर्ड यहाँ पे आपकी लाइनिंग बनी थी, बस उसको वहीं पे धीरे से हल्के हल्के हाथ से लाइन्स के ऊपर आपको रोटेट करते हुए ले आना है। देखिए इस तरह से, जैसे ये देखिए ऐसे तरह से, अरे हमारा कॉइल छोटा पड़ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं आगे हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छे से जहां पे आपने एडिटिंग की है, ठीक है, वहां पे अच्छे से इसकी फिनिशिंग करेंगे, इससे इसका जॉइंट जो मेरा है वो पता ना चले इजीली, फिनिशिंग करनी है मुझे। ये देखिए यहां पे इस तरह से, आप फिंगर का यूज कर सकते हैं जब आपका ये हो जाए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार इसके ऊपर वाटर से मूव कर देना है, और जब इस पर एक बार हल्के हल्के हाथों से आपको ये इसको पूरे कॉइल को हल्के हाथों से दबा देना है, हल्के हाथों से। चाहे तो आप इसके लिए रोलिंग पिन का यूज कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे ब्रश का यूज कर रहा हूँ, इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इस चीज का भी, ध्यान दीजिएगा जब आप कॉइल उधर कर रहे हो तो इसके देखिए कि शेप गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से, शेप अगर आपका गड़बड़ हो जाएगा तो देखने में
खराब लगेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कट करके सही कर लेंगे इस तरह से। जहां जहां इसका शेप गड़बड़ हुआ है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे धीरे धीरे से कट कर लेना हमें, जहां पे भी आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस लग रहा है शेप, ठीक है, तो वहां पे अपने अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो। अब क्या है कि हमारा एक कॉइल हो गया है, अब क्या हम उसका बाहर वाला कॉइल बनाएंगे। आपको अगर कोशिश होगी तो आप एक ही बार में पूरा एक कॉइल बनाएंगे तो आपको ईजी रहेगा। ये देखिए जैसे अभी हमें दूसरा कॉइल बनाने जा रहा हूँ, इस तरह से कॉइल बनाते समय ये बहुत ध्यान रखिएगा कि कॉइल सिमिलर होनी चाहिए, उसकी एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए आपकी कॉइल, ठीक है। अब सेम जैसे यहाँ पे वाटर सूख गया है, दोबारा हम क्या करें, दोबारा हम यहाँ पे इसके किस तरह से पहले वाटर लगा दिया, देन इसके बाद हमने पेस्टिंग स्टार्ट की। देखिए इस तरह से एज पे रखा है इसकी मैंने, बस एज टू एज इसको मिलाना है। ये देखिए तो यहाँ पे हमारी एज फिनिश हो गई है, तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरह से। अब जब इसको हम कर रहे हैं, अब ये देखिए अभी ये सबसे माइनर चीज है फोकस वायर कनाली, ये जो है यहाँ पे इसको हम बाहर से मिक्स कर देंगे, अंदर से दबाएंगे इस तरह से, देखिए ऐसे ये फिंगर से। ठीक है, अब इसके बाद सेम वही चीज से पहले जो किया था इसको हम आपका रोलिंग पिन हो छोटा तो उससे आप कर सकते हो। इसमें मेरे पास छोटा सा रोलिंग पिन है, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से उसको रोल करना है आपको। सेम आपने इससे पहले वाला जो कॉइल किया था सेम वो भी वैसे ही, अब जैसे इधर का मैंने कॉइल किया हुआ है, अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड का भी हम फिश करेंगे। पर उससे पहले जब जहां जहां भी आप क्ले लगा रहे हैं उससे क्ले लगाने से पहले वहां पे आप पहले वाटर की एक लेयर लगाएंगे, देन आप उसके बाद उसके ऊपर आप मॉडलिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेम जैसे भी सेम पैटर्न होल्ड करेंगे, बस पेस्टिंग करते हुए ले आएंगे यहाँ पे दोनों साइड से। पेस्टिंग करते वक्त ध्यान देंगे कि अच्छे से आपकी कॉइल मिक्स हो जानी चाहिए। यहाँ पे ये हो गया है, अब इसका सेम जैसे इधर मैंने किया था वैसे ही इधर भी रोलिंग पिन के थ्रू इसको हम रोल करके हल्का हल्का सा इसके ऊपर मूव करेंगे, थोड़ा सा स्लैप हो जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसके शेप सही आ जाए तो इसके लिए साइड से देखिए एक रोटेशन में साइड से दिया हुआ है, इसके शेप में से डिफरेंट ना आए, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और आपको ये रोलिंग पिन आपको इजीली मिल जाएगा, आप चाहते हो उसकी जगह पे वेलन का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये टॉय क्ले में आती है जो पॉलीमर टॉय क्ले आती है आपको उसमें ये मिल जाएगा इजीली। ये किस तरह से ये हो गया हमारा।
अब इसके बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे से कॉइल बनाएंगे, बड़े कॉइल नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये कॉइल बनाया। अब हम इसके डिजाइनिंग पे वर्क करते हैं। ये यहाँ पे जो डिजाइन बनाई है वहां पे क्ले की मॉडलिंग करने से पहले फर्स्ट हम डिजाइनिंग पे फोकस करेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से उसको दबा देंगे। देन इसके बाद बीच में हम एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे, जितना बड़ा बीच में गैप है सेम उतना ही बड़ा। और वाटर लेंगे, हल्का सा स्क्रब करेंगे कोई भी आपके पास जो भी पॉइंटेड टूल्स हो उससे। देन इसके बाद हम इसको सेंटर में फिल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे। अब सेम पैटर्न इधर भी आगे के भी। पहले वाटर लगा लेते हैं। इसके आप मेजर कर लिया कीजिए, जैसे आपको मान लीजिए आपका कॉइल बड़ा ही बन सकता है तो आप क्या है जब कटिंग करें तो कटिंग बाद में करें, इसकी मेजरिंग करने के बाद कटिंग करें। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस किया, देन बॉल बनाई हमने, इसके सेंटर में वाटर लगाया, हल्का सा स्क्रब किया, देन इसको हल्के हाथ से दबा दिया। अब यहां सेंटर के लिए देखिए क्या करेंगे, सेंटर के लिए यहाँ पर हम इस तरह का कॉइल बनाएंगे इस तरह। देखिए दोनों साइड की चाप है, बीच में आपका पोर्शन थिक है। देखिए सेंटर के लिए हम इस तरह की कॉइल ये बनाएंगे, ठीक है। इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे सिंपली में भी इस तरह से। ये देखिए अब इसके बाद जहां से आपका कार्डबोर्ड दिख रहा है वहां तक इसको हम ज्वाइंट करेंगे। देन इसके बाद इसको हम हल्के से पेस्ट। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बना रहे हो तो दोनों साइड का गैप इक्वल होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो इसको ये फोल्ड भी कर सकते हो, ये और आपका लुक वाइज काफी अच्छा लगेगा। देखिए साइड से इसकी धीरे से हल्के हल्के से इस तरह से। अब यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे मैंने राउंड लगाया था, अब इसकी जगह पे हम जैसे रिलीफ टाइप का एक लगाएंगे पोर्शन इसके सेंटर में, एक छोटा है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखो दूसरा कॉइल बनाएंगे। कॉइल किस अकॉर्डिंग बनाएंगे ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब सारे कॉइल जितने भी यहाँ पे आप इस साइड के बनाएंगे, एक साइड शार्प रहेगा एक साइड राउंड रहेगा। राउंड साइड में क्या करेंगे, राउंड साइड में इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। देन जितना पॉसिबल हो सके देखिए इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। बाकी जो हमारा ब्लैंक पोर्शन है वहां पे हम बॉल्स फिल कर देंगे इस तरह, ठीक है। सेम वही चीज उधर भी।
सेम जैसे इधर किया था सेम वैसे उधर भी। ब्लैंक पोर्शन में ये बॉल हम फिल कर देंगे इस तरह से। बाकी जो डिज़ाइन अटैच होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर में इस तरह से स्लैब बनाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखिए इस तरह से यहाँ पे लुक वाइज ऐसे आएगा, ठीक है। अब पूरा मॉडलिंग होने के बाद फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक बार इसके ऊपर पूरे से हम वाटर से, अभी तो जितनी हुई है मॉडलिंग, इसकी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो अच्छे से चिपक जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छे से चिपकेगा नहीं तो आपको ये ड्राई होने पे सब छूट जाएगा, सब आपका कार्डबोर्ड से छोड़ देगा ये। अब यहाँ पे मैं फिनिशिंग के लिए स्पॉन्ज का यूज़ कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से बैंक ब्लैंक एरिया में फिनिश करेंगे, क्योंकि साइड्स हैं वो भी हमको फिनिश करनी है अच्छे से, तो इसके लिए हम ब्लैंक पोर्शन में भी अच्छे से स्पॉन्ज मूव करेंगे। ठीक है, अभी ये आप स्पॉन्ज से ही आप वाटर भी इसका उठा सकते हो, कहीं भी अगर ज़्यादा आपका पानी गिर गया है तो आप इजीली आप वाटर उठा सकते हो स्पॉन्ज के थ्रू। ठीक है, अब इतना ये हो गया हमारा। अब इसके और क्या करना है, ये जो बीच की जो लाइन देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको बॉल्स फिल करनी है सारी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम पहले मार्क कर लेते हैं पूरी, देखिए इस तरह से जैसे मैंने गोल किया हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक मोटा सा कॉइल बनाते हैं, ठीक है। कॉइल बनाने के बाद ही हम आगे कुछ इसमें करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अभी देखिए कॉइल बनाने से पहले क्या करेंगे, हम कॉइल बना लेंगे, ठीक है। कॉइल बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में जैसे इतना बड़ा पार्ट है तो सारे पूरे कॉइल का इतने बड़े पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इतने पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम इन स्क्वायर्स का इस तरह से बॉल बनाएंगे, और ये बॉल्स जो हैं पूरी जो इस सेंटर वाले पोर्शन में इसमें पूरे में फिल करेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से यहाँ पे लेंगे, इस तरह से ऐसे सारी बॉल्स यहाँ पे इस तरह से फिल कर, पूरे में फिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे में मैंने इसको फिल कर दिया, देखिए यहाँ से कॉइल कर। अब जैसे यहाँ पे डिजाइनिंग बनाई थी सेम वही पैटर्न हम करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर वाला पार्ट लगाया था, इसमें सेंटर वाला पार्ट ना लगा के इसको हम राउंड करेंगे, ये इस तरह से, इसको ज्वाइन करने से पहले ये देखिए यहाँ पे ऐसे आप बोले देख लीजिए, क्लियर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वरना ऐसे आपको मैसी हो जाएगा काफी। ये देखिए फर्स्ट करना क्या है, फर्स्ट आपको ये दोनों साइड राउंड कर लेना इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से आपको ये मुस्टैचेस बनानी है, समझ लीजिए आपको, ठीक है। ठीक है, अब ये मुस्टैचेस बनाने का क्या करना है, आपका कहा ये ज्वाइंट था उस ज्वाइंट के ऊपर आपको ये दोनों पिनअप करके अच्छे से रखना है इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद अब एक कॉइल सिंपल सा लेंगे, बहुत ही इजी और बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबने जलेबी खाई होगी घर में अपने, ये करना क्या है आपको, ये पूरे कॉइल को इस तरह से रोटेट करना है, ये देखिए ऐसे ये रोटेट हो गया। अब इसके क्या करना है, ये वाला पार्ट में हमें इस तरह से सेंटर में इसको फिल करना है,
पर स्लाइड के लिए। जैसे पहले बताया था ना इसमें कि हमें एक पोर्शन हमें पतले बनाने हैं और दूसरा इसका ठीक बनाना है, इस तरह से राउंड। ये होने के बाद इसको हम फटाफट राउंड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये राउंड हो गया, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कैसे। जैसे इधर किया सेम वही पैटर्न करेंगे उधर भी, दोनों साइड में कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे। जब आप कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान दीजिएगा बहुत। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये हो गया है। इसके बाद एक बार पूरे रिस्पॉन्सेस को हम फिनिश कर देते हैं अच्छे से। रिस्पॉन्सेस फिनिश करने के बाद हमें करना क्या है, पहला चीज इसमें आप टेक्सचर देने हैं। टेक्सचर कैसे देंगे वो मैं बताऊंगा आपको सिंपली वे में, किस तरह से टेक्सचर देना है। आपके पास कोई भी राउंड टूल्स हो या इस तरह का टूल्स हो उससे आप वर्क कर सकते हो इजिली। फर्स्ट इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनाना पूरे में। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में पैटर्न बना दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपके पास कोई पेन का कैप या कुछ हो इस तरह का चीज हो, ठीक है, उस तरह से आपको क्या करना है इसमें। देखिए ये मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब इसमें पेन से ही पूरे में जहां जहां पे हमारे राउंड हैं ठीक है, राउंड करने से पहले इसमें अगर कोई वुडन का टूल से या कुछ भी हो इस तरह से आप कर सकते हो उससे। अब यहाँ पे हम मुझे क्या करना है, दो दो का गैप छोड़ के, थोड़ा सा गैप छोड़ के पूरे में पैटर्न बनाना है इस तरह से। जब आप पैटर्न बना रहे हो तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप पैटर्न बनाते समय जहाँ पे पैटर्न आ रहा है वहाँ पे आप थंब अपना रखें, इससे क्या होगा आपका क्लेस ज़्यादा लूज नहीं होगा और जगह नहीं फैलेगी। ऐसे अगर वो नहीं आप रखेंगे थंब वहाँ पे तो आपकी जगह ज़्यादा स्ट्रेच होगी। देखिए आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये। इस तरह से कुछ कुछ डिस्टेंस पे मार्क करना, ये समझ लीजिए आपका एक एक पॉइंट पे, एक यहाँ पर सर्कल दिया गया है ना, बस ये मार्किंग ले लीजिए आप, इस अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है पूरे साइड व्हील में। देखिए आपको पैटर्न कैसे बनाना ये चीज देखिए, आपका लिबस किस अकॉर्डिंग पैटर्न बनाना है, कैसे बनाना है चीज भी ध्यान दीजिएगा, बस बाकी सब इजली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा कहीं पे। ये देखिए आप कहिए, अब यहाँ पे जो ब्लैंक की जगह है इसमें हम क्या करेंगे, बस इसमें फटाफट तो लीफ लेते हैं इक्वल टाइप की ऐसे, इस तरह से ठीक है। ये यहाँ पे मैंने फिल की इस तरह से, और ये यहाँ पे मैंने इस तरह से फिल की, देखिए इस तरह से दोनों साइड से हो गए। अब करना क्या है, उसे फिल करने से पहले ये देखिए यहाँ पे चम्मच हो या स्पून हो कुछ भी हो आपका, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बनाना बस। और ये वाला लाइन पे यहाँ पे दो डिवाइडेशन इस तरह से दे देंगे,
बस ये कैमरा ये लगभग रेडी है, बाकी जो इसकी माइनर डिटेलिंग और हैं वो हम बाद में इसको सूखने के बाद करेंगे। सूखने जब हमारा थोड़ा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरे के ऊपर फेविकोल की एक लेयर लगाएंगे। ये हमारे जैसे ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद फेविकोल की लेयर लगाएंगे, फेविकोल हमारा ड्राई होने के बाद देन उसके बाद उसके ऊपर कलरिंग करेंगे। अब देखिए आप ये पूरा बन के रेडी है आपका, ये फ्रंट एरिया ये है, ये सीधा है, ये देखिए इस तरह से आपको ये पूरा सीधा है। ये आपको जब कलरिंग होने के बाद काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। बाकी आपको जो बीच का पोर्शन है इसमें आप लोग फोटो को अपना एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट क्लास में इसकी कलरिंग करेंगे। बाय बाय।